हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम क्या करने वाले मालूम है। बेसिकली हमने पेरी साइक्लिक का जो अपना ये था उसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक काफी डिटेल में डिस्कस किया हमने, जो प्लेलिस्ट बना के रखी है। ठीक है, फिर साइक्लोडिशन स्टार्ट किया हमने, साइक्लोडिशन बिल्ले जनरल इंट्रोडक्शन, फिर होमोलूमो वाला कंसेप्ट जो रहता है अपना, है ना, किसको अपन होमो मानते हैं लूमो मानते हैं, कौन से रिएक्शन में क्या अलाउड रहता है, सुपराफिशियल इंट्राफिशियल, वो सब डिस्कस किया। सेकंड वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, डाइन डाइनोफाइल का रिक्वायरमेंट कैसा होता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेल सेंटर कैसे करते हैं अपन। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, 4+2 एडिशन में काफी डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ये हो जाएगा फिर 2+2 वगैरह हम देखेंगे सब डिटेल में। तो आज अपन नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं आज रिजियो केमिस्ट्री या रिजियो सिलेक्टिविटी ऑफ डेल सेंटर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो रिजियो सिलेक्टिविटी आपने ऑलरेडी सुना होगा, जैसे कि अपन हॉफमैन एलिमिनेशन, सिटजेव प्रोडक्ट मिलता है अपने को, हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है, या फिर बार्कोनिकोव रूल ऑफ एडिशन, तो ये सब क्या बेसिकली रिजियो सिलेक्टिविटी है। तो इसमें कैसे देखते हैं मालूम है अपन रिजियो सिलेक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल समझो तुम्हारे पास में डाइन है, अगर कोई डाइन है मेरे पास में, ठीक है, उसमें अगर टर्मिनल में कोई सब्स्टिट्यूएंट, टर्मिनल पोजीशन पे अगर आर ग्रुप है, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनल पे, या तो नॉन टर्मिनल मतलब इधर मैं रस लिख देता हूँ, या इधर कोई आर ग्रुप है, तो उसके हिसाब से कैसा प्रोडक्ट बनेगा अपना, तो वो सब चीज डिस्कस करनी है अपने को इसके अंदर। ठीक है, देखो वही लिखा है इधर अपना थ्योरी में, रिजियो आइसोमेरिक बिहेवियर ऑफ डेल सेंटर रिएक्शन कैन बी इंटरप्रेटेड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एफएमओ थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल कोएफिशिएंट ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग अ सिंगल सिग्मा बॉन्ड। अब देखो अभी इसमें ना दो तरह की थ्योरी काम आती है, एक है जुगाड़ू थ्योरी। ठीक है, जुगाड़ू थ्योरी मतलब क्या होता है, उसमें अपन इसको आयनिक इंटरेक्शन जैसा देखते हैं, बट जो एक्चुअल ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव जो थ्योरी है ना, वो थ्योरी है तुम्हारा ये ऑर्बिटल कोएफिशिएंट देख के होता है अपना एफएमओ थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जुगाड़ू थ्योरी से आंसर निकालना सीखते हैं पहले। ठीक है, और फिर मैं तुमको एक्चुअल कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, जुगाड़ू थ्योरी खाली एक जगह फेल होता है तुम्हारा, बाकी सब जगह तुम्हारा लग ही जाता है वो थ्योरी आयनिक इंटरेक्शन वाला। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो ये जो मेरा मॉइटी है, ये जो मेरा मॉलिक्यूल है, इसमें देखो डाइन है ना मेरा, ये ओएमई जो ग्रुप है ये सेकेंड पोजिशन पे बराबर है, और ये जो मेरा अल्कीन है ये ई अल्कीन है। तो डिसल्डर जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है तुम्हारा, कंसर्टेड होता है बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली। तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, पैरा प्रोडक्ट जो कि मेजर रहता है और मेटा प्रोडक्ट माइनर रहता है। अभी पैरा मतलब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं अपन, ओएमई और सीओएमई को मैंने देखा तो मैं पैरा बोल रहा हूँ। ठीक है, इधर मैंने क्या देखा, ओएमई और सीओएमई को देखा मैं मेटा बोल रहा हूँ, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या देखना है मुझे, पहले आयनिक इंटरेक्शन से इसको समझते हैं अपन कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। ठीक है, देखो जैसे कि मेरा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मुझे पता है कि ये जो मेरा ग्रुप है ये मेरा प्लस एम ग्रुप है या प्लस आर ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा सिस्टम को, और इधर मेरा जो है नेगेटिव चार्ज बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे देखो इधर आपने ड्रॉ किया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव चार्ज इधर बन गया और इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया। सिमिलरली अगर मैं डाइनोफाइल की बात करूँ, ये तो ये मेरा कौन सा ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप है या माइनस आर ग्रुप है बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने वाला है, तो इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज बनने का इधर, और ये एंड पे मेरा नेगेटिव चार्ज बनने वाला है बराबर है। सेम इस तरीके से मैंने इधर ड्रॉ किया, देखो ये देखो ये मेरा क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप से कनेक्टेड है, इसके लिए मेरा इधर क्या आ रहा है, बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इधर मेरे बीटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है बराबर है, ये तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो इंटरेक्शन जो कैसा होता है बेसिकली, देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इनमें ज्यादा सबसे अच्छा इंटरेक्शन होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो। देखो तो अटैक किधर से होगा मालूम है, देखो इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल की तरफ अटैक होएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं। देखो ये जो अटैक करेगा मेरा वो इधर अटैक करेगा, ठीक है, और ये इधर जाके इस तरह से ओ माइनस हो जाएगा, वो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखो रिएक्शन में देखो इधर ये इस तरीके से बताया हमने, और ये कॉन्सर्टेड होता है ना, बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग साइमल्टेनियस लेता है ये को, तो खाली ये जो हमने आयंस ड्रॉ किए इधर रेजोनेंस के, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किए हैं, बस पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आयन फॉर्म में तो होता नहीं है ये, कंसेंट्रेट होता है, इंटरमीडिएट के मिलते नहीं ना तुमको, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ किया हमने इधर बराबर है। तो इधर देखो ये इधर गया, इसने इधर अटैक किया, फिर ये फिर से इधर बाइक होके साइक्लो एडिशन हो गया, इसी को तो तुम बोलते हो साइक्लो एडिशन, साइक्लिक प्रोडक्ट है, साइक्लिक एडक्ट भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या देखा मैंने, मेरा ओएमए ग्रुप और सीओएमए ग्रुप मेजर होता है, उसका रीजन क्या है, इस टाइप के इंटरेक्शन। तो ये बेसिकली हमने कैसे समझाया मालूम है, आयनिक इंटरेक्शन जैसे आयनिक इंटरेक्शन को देख के समझे हमने इधर। ठीक है, वैसे ही अगर समझो मेरे पास में कोई ओ एम ई ग्रुप है, अगर वन पोजिशन पे है, समझो ये टर्मिनल पोजिशन पे है,
तो मुझे क्या मिलता है, मतलब 1 2 प्रोडक्ट मेरा मेजर रहता है इसमें। तो इसको कैसे देखा मैंने, सेम देखो इसको थोड़ा रिलेट करो इधर से। देखो इधर मैंने इसका ये दे दिया है रेजोनेंस फॉर्म, तो आप देख पा रहे होगे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, शिफ्ट होएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। तो इधर देखो नेगेटिव चार्ज आएगा ये एंड पे, तो ये एंड मेरा हो गया न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। इधर डेल्टा माइनस भी लिखा है इस तरीके से हमने। तो अभी सी एच ओ का अगर देखोगे तो ये जो कार्बन है मेरा ये इलेक्ट्रोफिलिक है और इसका जो है ये न्यूक्लियोफिलिक है, बराबर है। तो फिर से वही स्टोरी हो जाएगी, अपना न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा और रिसाइक्लेज हो जाएगा इस तरीके से, बराबर है ना। तो देखो इधर क्या करना है मुझे, वही सेम चीज मुझे दोहरा नहीं है इधर, फिर से लिख देता हूँ मैं चाहिए तो इधर ओ एम ई डबल बॉन्ड सी एच ओ, ठीक है। ये क्या आएगा देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से अगर मुझे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर 1 2 प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे इस तरीके से, ठीक है। आई होप तुमको समझा रहेगा ये सब। अभी देखो इधर तो क्या था, अगर मेरा नॉन टर्मिनल पोजीशन पे ओएमई ग्रुप था तो मुझे 1 4 प्रोडक्ट मिला इधर पैरा प्रोडक्ट, और अगर अगर नॉन टर्मिनल पे रहेगा तो मुझे 1 2 प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि देखो इधर, सॉरी टर्मिनल पे अगर रहेगा तो 1 2 प्रोडक्ट मिलेगा मेजर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 3 मिलेगा ही नहीं, बट माइनर मिलेगा। अभी ये जो भी समझा ना हमने, ये कैसा समझा हमने, प्लस एम माइनस एम ग्रुप देख के समझा ना हमने, ठीक है। अब हम इसको क्या समझते हैं, एटॉमिक कोएफिशिएंट से समझते हैं। तो उस अगर इन जनरल अगर मैं आपको बोलूं तो देखो, ऑन द ग्राउंड ऑफ अगर रिजो सिलेक्टिविटी की बात करें, रिजो सिलेक्टिविटी के हिसाब से ना मैंने डिल सेल्डर रिएक्शन को 4 टाइप में कैटेगराइज किया है। रिजो सिलेक्टिविटी के हिसाब से अगर कैटेगराइज करो तो टाइप 1 टाइप 2 एक जैसे है, और टाइप 3 और टाइप 4 एक जैसे है मेरे, ये दोनों एक जैसे है और टाइप 1 टाइप 2, ठीक है ना। डिफरेंस क्या, बेसिकली होमोलोमी में डिफरेंस है बस खाली। तो देखो टाइप 1 में क्या लिया है मैंने, डाइन में मैंने टर्मिनल पोजिशन पे डोनेटिंग ग्रुप लिया है, इधर नॉन टर्मिनल पे मैंने क्या लिया है, डोनेटिंग लिया है, बराबर है। तो इसका मैं क्या कंसीडर करता हूँ, होमो कंसीडर करता हूँ मैं, आप ऑलरेडी पता है आपको। और देखो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये डाइनोफाइल हो जाएगा तो लूमो हो जाएगा, इसके अंदर भी लूमो हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, खाली डाइन में डिफरेंस आ रहा है। टाइप 3 और टाइप 4 में अगर देखिए तो उल्टा हो गया, डाइन मेरा लूमो हो गया क्योंकि इधर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया मैंने इसके ऊपर, और ये डाइनोफाइल मेरा होमो हो गया क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। बस इतना डिफरेंस है दोनों में, और ये पोजीशन का डिफरेंस है, ये तुम्हारा टर्मिनल पे है और ये तुम्हारा नॉन टर्मिनल पे है, इतना डिफरेंस है, ठीक है। बट देखो अब एक शॉर्टकट क्या याद रखो तुम, जब भी मेरा टर्मिनल पोजिशन पे डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, ठीक है, और ये विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा डाइनोफाइल, तो हमेशा मुझे 1 2 प्रोडक्ट मिलेगा मेजर, ठीक है। 1 2 बोलो या फिर ऑर्थो, ऑर्थो नहीं बोल सकते इसको, तो बेंजीन से रिलेटेड होता है, तो 1 2 प्रोडक्ट का नाम देते हैं अपन, 1 3 माइनर हो जाएगा। नॉन टर्मिनल पर अगर रहेगा तो 1 4 मेजर है, ये सब ऊपर अपन प्रूव भी कर चुके हैं। टाइप 3 और टाइप 4 में क्या किया हमने, टाइप 3 टाइप 4 में इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन लिखना भूल गए, सेम इधर भी ऐसा ही है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर डाइन के पास में है तो इधर भी तुमको 1 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर सेकंड पोजिशन में डाइन के तो इधर आपको 1 4 प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, सेम ऐसा ही मिल रहा है। बट इसको प्रूव करने के लिए ना, एक सबसे अच्छा थ्योरी कौन सा है मालूम है, जो सब जगह अप्लाई होता है, उसको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट मैप करके, कोएफिशिएंट मैपिंग। कोएफिशिएंट मैपिंग मतलब क्या होता है मालूम है, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास अगर समझो ये सिंपल एक एटॉमिक ऑर्बिटल निकालता हूं मैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें अगर देखता हूं मैं तो मेरा जो नेगेटिव चार्ज बनता है ना, वो इस तरीके से बनता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको नेगेटिव चार्ज। तो ये लोग जिधर मेरा नेगेटिव चार्ज बड़ा है, या फिर इतना याद रखो जिधर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी ज्यादा होगा वो हो जाएगा मेरा बिगर लोब, बराबर है, ठीक है। या फिर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी भी अगर ज्यादा होगा, जैसे कि देखो अगर मैं ये डायनोफाइल की बात करूँ, अगर देखो ये मेरा डायनोफाइल है समझो, एक्रोलिन बोलते हैं जैसे इसको, तो इसमें देखो ये जो रहेगा मेरा, ठीक है, और इधर जो रहेगा मेरा, इसको रेजोनेंस अगर मैं करूंगा तो इस तरीके से बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो ये CH2+ हो जाएगा, तो ये भी क्या आएगा मेरा बिगर लोब होने वाला है, बट बिगर लोब किसका, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बिगर लोब होएगा, ठीक है। अब देखिए कोएफिशिएंट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है मालूम है, कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब जब भी अपन रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना। तो समझो कोई भी एक स्ट्रक्चर रहेगा तो उसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन में क्या देखेंगे हम, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर था ओएमई, जिसमें मैंने नॉन टर्मिनल पे रखा था, तो नेगेटिव चार्ज इधर मिला था मुझे, ठीक है। तो मैंने उसको बोल दिया ज्यादा नेगेटिव चार्ज इधर मिलेगा, तो मैं बोलते बिगर लो, और जिधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा अभी मैं बोल दिया बिगर लो, ठीक है। अभी इसकी अगर इंटरेक्शन की बात करें तो हम कैसे बात करेंगे, लार्जर लोब इंटरेक्ट विद लार्जर लोब,
स्मॉलर लोग इंटरेक्टिंग विद स्मॉलर. देखो अभी तुमको थोड़ा बाउंसर जा रहा रहेगा कंसेप्ट है, बट थोड़ा मैं थोड़ी देर में मैं तुझसे एग्जांपल करा होगा तो तुमको बहुत मजा आएगा इसके अंदर. ठीक है, तो देखो लार्ज लार्ज का इंटरेक्शन, स्मॉल स्मॉल का इंटरेक्शन. ठीक है, इसे क्या लिखा है, हाईली फेवर्ड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक कोएफिशिएंट. दूसरा दूसरा अगर देखोगे तो देखो ये लार्ज हो गया, ये स्मॉल हो गया, ये लार्ज या फिर ये स्मॉल, तो ये लेस फेवर्ड इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक कोएफिशिएंट. ठीक है, अब देखो इसको ही एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा. देखो अगर मैंने इधर डोनेटिंग ग्रुप रखा है इधर, ठीक है, तो मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर रहेगा मेरा. ठीक है, इधर देखो इसके लिए देखो ये लोब, देखो ये लार्ज लोब बताया मैंने. ठीक है, और देखो विट्रोन ग्रुप रहेगा तो ये भी लार्ज लोब है मेरा. ठीक है, और अगर देखो इसका जो अल्फा पोजिशन रहेगा विट्रोन ग्रुप के साथ में, ये स्मॉल लोब बताया कंपेरेटिवली, ये कंपेरेटिवली थोड़ा स्मॉल लोब हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज तो नहीं रहेगा इसके पास में. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इसका और इसका इंटरेक्शन किया. सुपरफिशियल तो रहेगा ही, वो तो उसमें कुछ डाउट ही नहीं, ये भी सुपरफिशियल रहेगा बेसिकली. ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया, लार्ज लोब लार्ज लोब को मिला, इसी को हम बोलते हैं एफएमओ का मॉडर्न अप्रोच थ्योरी, जो एटॉमिक कोएफिशिएंट से देखा जाता है. ये देखो ये तुमने लिखा था इधर स्टार्टिंग में, पहले स्लाइड पे जाते हैं अपन अभी. देखो इधर भी वही लिखा था अपन ने, पढ़ लेता हूँ इसको एक बार हाईलाइट हाईलाइट करके. देखो डील सेल्डर रिएक्शन प्रोसीड्स इन सच ए वे दैट देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन डाइन होमो एट अ डाइन टर्मिनस एंड द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ द डाइनोफाइल लुमो एट अ डाइनोफाइल टर्मिनस. यही चीज मैंने आपको बताई, लार्जर लोब से, स्मॉलर लोब स्मॉलर लोब से. ठीक है, डेफिनेशन में खाली लार्जर लोब के बारे में बात किया है. अब देखो फॉर एग्जाम्पल ई वाला मॉलिक्यूल देखो मेरे पास में, वही वाला एग्जाम्पल है फिर से. देखो इसमें क्या देखा मैंने, इसको भी देखो ये मॉलिक्यूल को लोब के हिसाब से देखो, ये मॉलिक्यूल को भी लोब से हिसाब से देखो. तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये, और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है. ठीक है, तो ये दोनों मैच कर जाएंगे और ये दोनों मैच कर जाएंगे. ठीक है, तो मेरा 1-2 प्रोडक्ट मेजर मिल गया मुझे. ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास में समझे दूसरा एग्जाम्पल अगर लेता हूं मैं, तो सेकंड पोजिशन में लगा दिया, तो मुझे क्या पता है इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा, तो लार्जर लोब इंटरेक्ट करेंगे, स्मॉलर लोब स्मॉलर लोब इंटरेक्ट करेंगे, 1 प्रोडक्ट मिल जाए. मतलब मैंने बिना आयनिक इंटरेक्शन के लोब से हिसाब से डिफाइन करा, तो उसी को मैं बोलता हूँ एफएमओ थ्योरी मॉडर्न अप्रोच. ठीक है, इधर भी देखो फिनाइल ग्रुप है तो इसका रेजोनेंस करोगे तो इधर सबसे ज्यादा आएगा, तो ये लार्जर लोब स्मॉलर लोब इंटरेक्शन मिल जाएगा मुझे, ये फिनाइल ग्रुप इधर नहीं है इधर आ जाएगा, 1-2 प्रोडक्ट मेजर मिल जाएगा मुझे. ठीक है, फिनाइल रिंग इधर 1-4 प्रोडक्ट मिल रहा है तुमको. ठीक है, देखो अभी तक जो भी चीज हमने की ना, ये तो हम आयनिक इंटरेक्शन से भी देख सकते थे, प्लस एम माइनस एम से, बट अभी जो चीज बताने वाला हूं ना मैं तुमको, दिस कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय एफएमओ थ्योरी. इसको अपन प्लस एम वगैरह जीओसी से देखने, जीओसी वाले कंसेप्ट से देखने सकते, क्यों मालूम है, क्योंकि देखो उसके लिए सबसे अगर देखोगे तो देखो ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें वो थोड़ा पंगा हो जाता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला कंसेप्ट देखिए, तो इसमें हम लोब के हिसाब से हम इसको इजीली समझा सकते हैं. जैसे ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका जो एंड टर्मिनस होने वाला है वो बड़ा लोब होने वाला है, वो भी डेफिशिएंट होने वाला है. जो मेरा डाइनोफाइल है इसका जो एंड टर्मिनस है भी ये होने वाला है, मेरा विड्रॉइंग होने वाला है, तो लोब बड़ा होगा डेफिशिएंट के हिसाब से. तो देखो ये बड़ा लोब ज्वाइंट हो गया, ये छोटा लोब ज्वाइंट हो गया, बस तो ये मिल जाएगा मुझे 1-2 प्रोडक्ट इसके अंदर डायरेक्टली. ठीक है, आई होप समझ रहा होगा तुमको, है ना, कोई ऐसा दिक्कत वाला चीज नहीं है इसके अंदर. मतलब देखो ये जो था मेरा दोनों विड्रॉइंग ग्रुप अगर रहेंगे तो मैं ये 1-2 प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मुझे, बट इसको मैं समझा सकता हूँ सिर्फ एटॉमिक कोएफिशिएंट के अप्रोच से, बाकी वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच से नहीं समझा सकता मैं इसको. ठीक है, अब देखो यही अगर सेम इधर भी देखो, इधर हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इनवर्स डील सेल्डर रिएक्शन जैसा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको मुझे लेना पड़ेगा लूमो और इसको मुझे लेना पड़ेगा होमो, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली रेडियो सिलेक्टिविटी. ठीक है, फंडा तो वही देखना है मुझे. अब इधर देखो लार्जर लोब स्मॉलर लोब से भी इंटरेक्ट कर जाएगा, तो 1-2 प्रोडक्ट इधर मेजर मेजर मिल रहा है मुझे. विड्रॉइंग ग्रुप अगर सेकंड पोजिशन पे है तो भी मेरा 1-4 प्रोडक्ट मेजर मिल जाएगा. ठीक है, तो ये सब चीज को है ना अपन लोब से समझा सकते हैं. ठीक है, आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके रिलेटेड अपन, जैसे कि देखो ये बहुत फेमस डाइन है और वो बहुत फेमस साइंटिस्ट है डेनिशेव्स्की डाइन से. तो एक नेम रिएक्शन की बुक है, आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर है नंबूदरी करके, तो उन्होंने लिखी है वो, तो उसको रेकमेंड किया था ये डेनिशेव्स्की साइंटिस्ट ने. ठीक है, काफी अच्छी रेफरेंस बुक है, मतलब काफी अच्छी रेफरेंस बुक है नेम रिएक्शन की वो, जिसमें देखो एक ही पेज पे नेम रिएक्शन खत्म कर दिया बट सबके रेफरेंस दिए तुमको, कुछ भी डिटेल चाहिए तो
आपको मिल जाएगी, कोई भी ऑनलाइन भी मिल जाएगी वो बुक तो आपको, ठीक है। पर अभी इधर थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एक लाइन है अपना, इसको अपन बोलते हैं डेनिश फिट्स के नुस्खे में डिस्कस करते हैं। अब इसको सिंथेसाइज कैसे करते हो भी लिखा है इधर, देखो इसके अंदर अगर मैंने टीएमएस क्लोराइड डाला, जिंक क्लोराइड डाल दिया, तो क्या बन जाएगा मेरा, जिंक इनोलेट टाइप बन जाएगा कुछ, ठीक है। जिंक इनोलेट क्या करेगा फिर, टीएमएस का देख करके ओटीएमएस बना लेगा। तुमको पता है कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्या होता है, तुम्हारा हार्ड इलेक्ट्रोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल वाला फंडा होता है, तो ओटीएमएस बन जाता है इससे, ठीक है। तो देखो मैकेनिज्म अगर देखिएगा इसका, देखो इधर बताया है, जिंक क्लोराइड क्या करेगा पहले चिलेट फॉर्म करेगा इस तरीके से, फिर एच जरा तुम्हारा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो निकल के तुम्हारा ये जिंक इनोलेट बना लेगा। ये जिंक इनोलेट बना लिया, और जिंक इनोलेट में जो ऑक्सीजन से भी अटैक होएगा तुम्हारा सिलिकन के ऊपर, क्योंकि सिलिकन जो है तुम्हारा ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ऑक्सीजन जो होता है तुम्हारा ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या बन जाएगा, ओटीएमएस बन गया। इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइन है, तुमको बहुत बार मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम है ये, एग्जाम में शायद आई गेस एक बार आया था ये नेट एग्जाम में। फिर देखो इसको भी अगर देखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये इसका बिगर लोब हो जाएगा, ये इसका बिगर लोब हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा रिएक्शन, देखो रिएक्शन किसके साथ करना है अपने को, इसके साथ करना है रिएक्शन, बराबर है। तो इसके तभी रिएक्शन करेगी अगर अपन, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा CO2 Me, तो नेगेटिव इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको अगर मैं आगे लिखूं प्रोडक्ट, फर्दर प्रोडक्ट अगर लिखूंगा मैं, स्टीरियो केमिस्ट्री में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बताऊंगा मैं, अलग बताएगा, मेरे कन्फ्यूजन होता है बीच में रिजो के बीच में स्टीरियो डाल दिया, तो ठीक है। तो मैं OME और CO2ME इस तरीके से बन जाएगा मेरा, मतलब वन टू प्रोडक्ट मिल गया मुझे, ठीक है। लास्ट में मुझे TMS डी प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ मैं, तो जैसे मैंने HCl डाल दिया इसके अंदर, HCl जैसे डाल दूंगा मैं, तो क्या आएगा मालूम है, ये जो OME ग्रुप है मेरा, OME ग्रुप है ये H को ले लेगा इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अब मिथेनॉल तुमको पता है कि अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, और अपने पास क्या है Cl माइनस, Cl माइनस क्या करेगा सिलिकन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये इस तरफ इस तरह जाएगा, ये इस तरह से एलिमिनेट होकर तुमको फाइनली ये प्रोडक्ट दे देगा, मतलब मिथेनॉल मेरा बाहर चले जाएगा और TMS क्लोराइड मेरा डी प्रोडक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये डेनिश फिश की बहुत जगह आता है, इसलिए मैं उसको एग्जांपल करा है, ये भी काफी अच्छा एग्जांपल लगा मुझे। देखो जो भी कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बेसिकली तीन चार बुक से है, एक तो तुम्हारा सुनील कुमार की एक बुक आती है उससे है, एक तुम्हारा कैरोथर्स से है, कुछ एग्जाम्पल लिए कैरोथर्स के मैंने, ठीक है। और फिर अपना ये एक मजुमदार करके बुक आती है उससे है, सब पहले से क्लिक की बुक है तुम्हारी। देखो ये एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो देखो NN डाइमिथाइल एनिलीन और उसके पैरापोजिशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है। आईयूपीसी नाम नहीं बताया मैंने, उसका जनरल बताया। तो देखो पहला स्टेप कर करूंगा मैं बर्च रिडक्शन करूंगा इसका, बर्च रिडक्शन अगर करता हूं तो देखो ये भी डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों के हिसाब से अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तुम्हारे हिसाब से, तो इस टाइप का डाइन मिलना चाहिए मुझे। इसको मैं बोलता हूं 1 2 3 4 डाइन बोलता हूं मैं, नोट लेक्चर में आपको मैंने ऐसे पढ़ाया था, ये 1 4 डाइन टाइप कंपाउंड मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब क्या होता है मालूम है, इसके अंदर है ना तुम्हारा, जैसे तुम H3O+ डाल दोगे इसके अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आइसोमराइजेशन हो जाएगा, आइसोमर हो जाएगा ये, तो इनामाइन टाइप बना लेगा कुछ, इनामाइन ज्यादा स्टेबल जो कंपाउंड रहता है तुम्हारा, इनामाइन आइसोमर इनामाइन टाइप बन जाएगा ये, ठीक है। अभी बाद में क्या करेंगे अपन, सॉरी देखो क्या होगा, ये तुम्हारा H3O+ डालने के पहले ये तुम्हारा आइसोमराइज हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप है। अगर समझो OME वगैरह होता ना तुम्हारा, OME वगैरह होता है तो अपने को H3O+ डालना पड़ता है आइसोमराइजेशन करने के लिए, बट अमीन खुद से खुद आइसोमराइज हो जाता है वो। तो एक्चुअली तुम्हारा जो बर्च का जो प्रोडक्ट है ना, तो बर्च का प्रोडक्ट तुम्हारा ये रहेगा, नॉर्मली बर्च का प्रोडक्ट ये होना चाहिए था 1 4 के हिसाब से अगर देखता था मैं, बट नाइट्रोजन बहुत ज्यादा डोनेटिंग होता है इसलिए तुमको ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है, मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ तुमको ये TCB प्रोडक्ट है मेरा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट, ये KCB प्रोडक्ट होता है। तो नाइट्रोजन में मुझे TCB मेजर मिलता है डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। फिर इसका हाइड्रोलिसिस अगर कर दूंगा मैं, तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस में क्या कर रहा हूँ मालूम है, इनामाइन का तो हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं, इनामाइन का तो हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ मैं, इनामाइन का हाइड्रोलिसिस करना है मुझे बस। तो फिर से क्या मिल जाएगा मुझे, कीटोन मिल जाएगा इस तरीके का ये, ठीक है। लास्ट में क्या कर देना है, लास्ट में फिर इसको हीट करेंगे अपन, या फिर आइसोमराइजेशन लिखा है मुझे, हिंट दिया है 2 से 3 जो आइसोमराइज हो जाएगा, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, ये मोर स्टेबल है क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है, तो इसके लिए मोर, देखो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है आइसोमराइजेशन का, इन ऑर्डर टू गेन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है वो, तो 2 से 3 वाला ड्राइविंग फोर्स का, इन ऑर्डर टू गेन मोर स्टेबिलिटी। तो ये तो मेरा बन गया डाइनोफाइल, दिस इज माई डाइनोफाइल। अब यही एग्जाम्पल लिया है मैंने सेम तुम्हारा, ये वाला कौन सा
डेनिसेव्स्की लाइंस का लेयर, तो ये मुझे पता है कि न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा, बस इसको साइक्लोडेशन करा दो, फिर H3O प्लस डाल लोगे इसमें तो ये डिप्रोडक्शन हो जाएगा, EMS OH बाहर चले जाएगा तुम्हारा और ये OH बन के रहेगा, फिर इसका किटोइनॉल कर दो तो ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ये रिएक्शन में क्या कहता है हमने बेसिकली, हमने अभी दोनों रिएक्शन देखो, इसमें हमने क्या कहता है डेनिसेव्स्की डाइन्स बनाया था हमने, बराबर है, ये डाइन हमने सिंथेसाइज किया था डेनिसेव्स्की डाइन, और इसमें हमने क्या किया बेसिकली हमने डाइनोफाइल बनाया है, ठीक है, डेनिसेव्स्की रेडीमेड ले लिया है। तो इस तरीके से आई गेस रिजो सिलेक्टिविटी के इतने क्वेश्चन को समझ में आए होंगे, ठीक है, जैसे 1-2 कब बनना है मेरा, 1-4 कब मिल रहा है तुम्हारा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था जिधर तुम्हारा दोनों विड्रॉइंग ग्रुप था, ठीक है। तो इस तरीके से अपन, तुम और सबको क्वेश्चन करना है तो तुमको बहुत सारी बुक्स है इसके रिलेटेड, तुम सॉल्व कर सकते हो, बट नट शेल में इतना तो तुम्हारा मस्ट है मतलब। तो हमने क्या किया बेसिकली, ओवरऑल तुमको मैंने आज क्या बताया, आयनिक इंटरेक्शन के हिसाब से बताया, मतलब प्लस आयन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जैसे कैसे देख सकते हैं अपन, और दूसरा अप्रोच बताया जो ज्यादा ऑथेंटिक है जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक कोएफिशिएंट अप्रोच, ठीक है, उसके हिसाब से बढ़ा जिसमें हमने लोब लोब के इंटरेक्शन देखे। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई सेंटर रहेगा तो बड़ा लोब, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कोई सेंटर रहेगा तो बड़ा लोब, उस तरीके से हमने इसको समझाया है, ठीक है, एटॉमिक कोएफिशिएंट अप्रोच बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे, इसकी एंडो वगैरह जो भी होता है तुम्हारा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।